हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जा रही हूँ अभी वो जॉब लेने के लिए मार्केट, तो मैंने सोचा कि यहीं से ब्लॉगिंग चालू कर दूँ। जितना होगा हो सकेगा मैं कैप्चर करूँगी कैमरे में। पता नहीं आँख में मेरा क्या हो गया है, आज 2-3 दिन से दवा खा रही हूँ। दर्द का, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। देखिए ना, वैसे मुझे बोलते हैं दिखाने के लिए डॉक्टर से, मैं इनको बोल रही हूँ कि एक बार नवरात्रि को नवरात्रि हो जाने दीजिए, उसके बाद से फिर छठ पूजा आएगा। तो ये बोल रहे हैं कि तो आप फिर बोलना कि छठ पूजा ख़त्म होने दीजिए तो फिर मैं करूँगी। तो नहीं, तो सिर्फ मैं नवरात्रि तक वेट कर रही हूँ। आप लोग मेरे फेस से ही पहचान रहे होंगे, क्योंकि देखिए पूरा बाल में ऑयलिंग करके बैठी थी। लेकिन जाना ज़रूरी है, तो मैं पहले बाहर का निपटा लूँगी, तो घर में तो मैं 12 बजे क्या पूरा रात भी करूँगी तो भी कोई बात नहीं है। सारा मतलब हो गया है, सिर्फ लाइट मतलब लाइट वाइट लगाना है मुझे। तो इसमें भी बारिश थमने के नाम भी नहीं ले रहा है, क्योंकि मतलब वो नहीं होता है फुहारा जैसा, वही बारिश हो रहा है अभी। अब वही जा रहे हैं हम मार्केट, कैसे भी करके मार्केट जा रहे हैं। तो चलिए जो भी होगा हम आप उसे दिखाएंगे, ज़्यादा तो कुछ है नहीं। दिखाती हूँ मैं अपना कैसे मंदिर, अभी थोड़ा बहुत मतलब दिख भी रहा है देखिए उधर, लेकिन मैं बैक कैमरा से दिखा रही हूँ। देखिए अभी सजावट बाकी है, सिर्फ अभी कपड़े उपड़े लगा कर हम जा रहे हैं। यहाँ पे चौकी उकी रखा हुआ है, तो आकर फिर लाइट वाइट लगाएंगे, फिर कल देवी माँ बैठेंगे आएंगी तो फिर देखेंगे। तो चलिए मिलती हूँ मार्केट। मैं यहाँ से अभी पत्रकारपुरम जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे और सामान लेना है पूजा का, और बिछुआ लेना है दुर्गा जी को चढ़ाने के लिए, क्योंकि पंडित जी मांगते हैं। मुझे भी डेली यूज के लिए मतलब ऐसा ही टाइप कर लूँगी कि जो डेली यूज मैं कर सकूँ। तो मुझे थोड़ा सा सोफ़ा का कवर उवर ये सब कट करवाना था, वो टेलर को मैं दे चुकी हूँ। अब वहाँ से मैं निकल गई हूँ अपने बिछुआ लेने के लिए। अब वहाँ जाकर देखती हूँ कि कौन सा पसंद आता है। पसंद के बात नहीं है, एक सिंपल में ले ही लूँगी, क्योंकि डेली यूज के लिए लूँगी। तो ये सब देख रही हूँ कि मेरा देवी माँ को चढ़ा भी दूँगी और बिछुआ मैं अपना डाल भी लूँगी डेली। तो वही सब, इतने छोटे छोटे बिछुए इतने महंगे हो गए हैं, आपसे क्या बोलूँ। बहुत अब मैं मिठाई उठाई ले चुकी हूँ, अब वही सब देख रही मूर्ति, अब घर निकलने के लिए तैयारी में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? हैप्पी नवरात्रि मेरी सभी यूट्यूब फैमिली को। टाइम देखिए 3:30 हो रहा है, 3:30 हो रहा है। अभी जा रही हूँ मैं नहाने फटाफट, क्योंकि नहा कर तभी सारा काम करूँगी। तो बने रहिए हमारा ब्लॉग में, मैं ब्लॉग यहीं से अभी चालू कर दी, मतलब कल ऐसे नेक्स्ट डे कल का भी है। तो मैं यहीं से फिर अपना सोकर उठ कर ही कैमरा उठा ली, फिर आप लोग से टाइम दिखा जा रही हूँ और नहाने मिलती हूँ आप लोग से। नहा के तो मैं कितना साढ़े मतलब नहा कर मैं 4 बजे ही आ गई थी, सारा काम कर रही थी। काम हम करके आप सब सर याद होंगे, क्योंकि पंडित जी मुझे 12 बजे फ़ोन किए थे कि मैं 6 बजे या 5:30 बजे तक आ जाऊँगी। तो 5:30 तो होने गया, अभी तक आए, लेकिन 6 बजे तक ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि उनको मंदिर उंदिर पे कराना है। तो मेरा सारा सामान मैं अपना पूजा वाला बर्तन फ्रूट ये सब धो कर रख दी सामान वामान। अब जा रही हूँ मैं खुद को फूल लाने जाऊँगी। फूल ला कर मैं कल भी लाई थी फूल, लेकिन आज थोड़ा सा ताज़ा फूल लाऊँगी पास में से ही, अपने ही सोसाइटी में से ना, तो सोसाइटी के सामने ही बहुत सारा फूल है। और मिट्टी लाना है, मिट्टी तो मैं मंदिर से ही लाऊँगी। तो अभी तैयार भी होना है मुझे खुद को, क्योंकि आज ही 16 सिंगार करेंगे, उसके बाद से 9 दिन तक एक बिंदी तक नहीं लगा सकते हैं। मतलब अपना अपना करने के ऊपर है, मैं नहीं करती हूँ। हमारा सारा सामान तैयार हो गया है, सारा बर्तन भी धो कर रख दी, पूजा वाला बर्तन यहाँ पे, ये सब सामान है, सब सामान मेरा। मंदिर का भी सजावट आप लोग से दिख, ये मैंने मतलब जैसे मुझे आया मैंने मंदिर अपना अच्छे से सजा लिया है, ने मंदिर को अच्छे से सजा लिया है। अब सिर्फ माता जी को लाकर बैठाना है, उनका चुंदरी उंदरी बदलना है, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से कर देना है। बाकी हम सारा सामान मतलब जो होता है टोटल वो मैं यहाँ पे ला के रख दी,
क्योंकि पंडित जी भी आएंगे तो मुझे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब वही थोड़ा सा चारणामृत बनाने के लिए मुझे दही और दूध लाना है। तो सुबह बाबू ऋषि शिवम उठेंगे तो जाकर लेकर आ जाएंगे। और इनका भी फोन आया था 3:30 बजे करीब, बोल रहे थे कि हम लोग 2 बजे ही दर्शन कर लिए हैं तो अभी चल दिए हैं। पता नहीं वो भैरव कौन सा, मतलब भैरव बाबा की कहाँ, वहाँ के जाने के बाद मतलब और कहीं जाना पड़ता है ना दर्शन करने के लिए, मैं तो कभी गई नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। तो वहाँ गए थे, जा रहे थे दर्शन करने के लिए, तो वो वीडियो कॉलिंग करके मुझे दिखा रहे थे कि उठ जाओ तुम भी, कि मैं उठ कर 3:30 बजे ही उठी हूँ। उठ कर बाल उल साफ की, पूरा काम की, काम हम करके दिखाती हूँ, पूरा टोटल काम कर चुकी। जो कपड़ा दिख रहा है सोफा पे वो मेरा क्या गेठ जुड़ाव किया हुआ अथी गमछा है, क्योंकि वो नए नए रहते ना 2 साल से, तो इसके लिए हमने पंडित जी बोले गेठ जुड़ाव वाला ही रख लो आप। तो हमारा सारा काम हो चुका है, अभी वही जा रही हूँ मैं बाबू को उठाऊंगी, तब तक और कुछ काम कर लूँ क्योंकि अंधेरा बहुत है, बहुत मतलब अंधेरा है अभी। देख रही हूँ, जा रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है। तो चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सब तैयार हो चुके हैं, सब लोग तैयारी कर चुके हैं। अब मुझे साड़ी पहनना उतने अच्छे से नहीं आता है, तो मुझे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। हाँ पंडित जी, लेकिन जाओ ना तुम, पंडित जी बुला रहे हैं तुम्हें। तो हम सब तैयार हो गए हैं, हमारी पूरी फैमिली तैयार हो गई है, पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए हैं। बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है, मेरा साड़ी कैसा है। तो मतलब नवरात्रि का ये है, सही बात है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को, पंडित जी आ गए हैं, मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो ये मेरा फाइनल लुक है। दो मिनट लेट हुआ मेरा। अभी पंडित जी आ गए हैं तो सुबह का ये टाइम है, तो ये मतलब सब चीज़ पंडित जी क्या मुझे फ़ोन किए थे कि मैं सुबह 6 बजे तक ही आ जाऊंगा, इसकी वजह से मैं 3:30 बजे ही उठ गए। और उठ कर सब अपना सामान वामान सरिया मतलब सब पूजा वाला बर्तन फ्रूट ये सब धो धा कर मूर्ति माता जी के ला कर बैठा दी, सब कुछ कर दी। कि श्री पंडित जी आएंगे तो जो उनको करना होगा वो करेंगे, बनाए उनाएंगे। बाकी मैं सारा काम कंप्लीट करके बैठी थी ली पर पंडित जी कितने बजे आए, लगता है 6:30 बजे 7 बजे करीब में वो आए पंडित जी पूजा कराने के लिए, क्योंकि वो मतलब बहुत अच्छे से पूजा कराते हैं। अब वही सब मैं निकाल भी रही हूँ, पंचामृत बना रही हूँ। पंडित जी बोल रहे हैं घर के लेडीज़ को ही बनाना चाहिए, वही बैठकर सब बना रही हूँ। पंडित जी अपना उधर काम कर रहे हैं, वो भी आकर बैठ गए हैं। हमारी फैमिली है, क्योंकि घर पे तो सब लोग अपना पूजा पाठ करते ही हैं। ये मेरी फ्रेंड है, मेरे ही बिल्डिंग में रहती हैं, आठ मतलब नीचे मेरी वो रहती हैं। तो वो सुबह आ गए थे अपने घर से पूजा करके यहाँ पे, बाकी लोग अब शाम को आएंगे, पता नहीं मतलब अपना अपना घर पे पहले सब पूजा कर लेंगे तो ही आएंगे। तो वही पंडित जी सब पूजा करा रहे थे, तो अगर मैं वीडियो फास्ट नहीं करती तो बहुत लंबा हो जाता, तो आप लोग भी बोर हो जाते। इसे पूजा के तो बात है, तो पूजा में तो कोई बोर नहीं होता है, लेकिन फिर भी बोरा लंबा भी हो जाता। तो मैं क्या सोची कि एक ही में सारी मैं दिखा दूं, अब दो पार्ट करती तो अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे डेली आप लोग को दिखाना है, फर्स्ट डे सेकेंड डे सब दिखाना है। देखिए मेरे माता जी कितनी सुंदर लग रही हैं, और माता जी तो हर सुन ये मतलब विश्व सुंदरी है माता जी। माता जी का क्या एति करने का ही बोलने का। तो लेकिन मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं बार बार माता जी को ही देखूं, तो ये घर पे नहीं थे। तो ये जो गमछा दिख रहा है तो मेरा 2 साल से गेठ जुड़ाव होता है, तो मैं वो ऐसा ही रखती हूँ कि ऐसे अकेले पूजा नहीं करते हैं, तो मैं वही गेठ जुड़ाव लेकर बैठ जाती हूँ। क्योंकि ये 2 साल से वैष्णो देवी जा रहे हैं, वे आरती के टाइम में पूजा मेरा कंप्लीट हो गया है, तो वही सब आरती उरती कर रहे हैं। उसके बाद से आरती उरती करके मैं आ गई हूँ यहाँ बैठ मैं के। पूजा करने के बाद सोने थोड़ा सा 1-2 घंटा सो गई थी, आराम कर ली। उसके बाद से अभी मेरी फ्रेंड लोग आए थे तो उन्हीं के लोग के लिए फिर उठकर चाय बनाई,
चाय बना कर फिर मैं आज नाइटी पहनी हूँ, नाइटी पहन क्योंकि अब मेरा 9 दिन वो साड़ी और एक नाइटी पे ही अपना जिंदगी बिताऊंगी, यहीं पे मुझे जिंदगी बिताना है। मेरा नीचे बिस्तर माता जी के पास यही मेरा अब जिंदगी रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं वीडियो को एंड करूं क्योंकि शाम वाला पूजा भी मुझे आप लोग के साथ शेयर करना है। मैं कैसे करती हूँ आप लोग जरूर आप लोग भी बताना कि आप लोग के यहाँ मतलब कैसे होता है, मैं कैसे कट रही हूँ क्योंकि एक दूसरे से ही सीखते हैं। मतलब आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत बहुत ज्यादा पसंद आए। अब वो देखिए अभी टाइम हो रहा है 5:45 हो रहा है, तो अभी मैं जा रही हूँ शाम वाला पूजा की तैयारी करने, तो ये वीडियो थोड़ा सा मेरा लेट जाएगा, प्लीज मैनेज कीजिएगा क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं की, जाकर सो गई उसके बाद से उठ कर फिर एडिटिंग की, जो भी है आधा मेरा बेटा की आधा मैं की, अभी मैं सीख रही हूँ थोड़ा बहुत। तो अभी मैं जा रही हूँ, देखिए सोने के चक्कर में ही मैं नाइटी उल्टा भी पहनी हूँ। तो अब जा रही हूँ सफाई फाई करने, बात करने के बाद फिर आप लोग से मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आप लोग के यहाँ कैसे होता है। बाय बाय।